यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्प so, बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो so, बहुत सारे इंटरमीडिएट के बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर फटाफट रिटर्न फाइलिंग का टॉपिक है उसका रिवीजन लेक्चर अपलोड कर दीजिए तो ये रहा आपके लिए आपकी स्क्रीन पे रिटर्न फाइलिंग का रिवीजन लेक्चर तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है एक सेक्शन होती है 139 सब सेक्शन 1 वो ये बोलती है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना रहेगा जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो रिटर्न किसको फाइल करना रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा एल भी इंक्लूड हो जाएगी उनके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है और मैं बोल दू कंपल्सरी है तो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कंपलसरी रहेगा कंपनी के लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए एल के लिए अब एक बात बताओ कोई कंपनी ऐसी है थर्टी फर्स्ट मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई एक ही दिन वो कंपनी है मार्च को और उसने उस साल कोई भी बिजनेस नहीं किया तो भी क्या उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आंसर इज ऑब्वियसली यस उसको जो है वो अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसके अलावा कंपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के बाकी लोगों को अपना रिटर्न फाइल करना है या नहीं तो बाकी लोगों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका ग्रोथ total income.

बट ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द एग्जemption अंडर सेक्शन 54 की सीरीज जो है वो एग्जemption लेने से पहले वाला इनकम अगर आपका बेसिक एग्जemption से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना इसके अलावा कुछ लोग ऐसे और हैं जिनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एक तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है बट वो आर एंड ओ आर है आर एंड ओ आर का मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है मीन आर बट एनओआर को छोड़ के अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है इफ इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो बेनिफिशियल ओनर को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है जैसे मान लो कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के बाहर उसका फ्लैट है या इंडिया के बाहर की कंपनी के उसके पास शेयर है इंडिया के बाहर की पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है इसका मतलब वो बेनिफिशियल ओनर है और उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर इंडिया के बाहर के अकाउंट का उसके पास साइनिंग ऑथोरिटी है जैसे स्विस बैंक में उसका अकाउंट है तो बेनिफिशियल ओनर जो है उसको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है दूसरी चीज अगर आप बेनिफिशियल ओनर नहीं हो बट इफ यू आर ओनली अ बेनिफिशियरी आप अगर बेनिफिशियरी हो ऑफ एनी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो बेनिफिशियरी को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट हो लेकिन एक चीज समझना अगर बेनिफिशियल ओनर अपनी इनकम में इनकम को जोड़ देता है और इंडिया में रिटर्न फाइल कर देता है तो फिर बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना मैं आपको पांच चीजें और बता रहा हूं इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा

यहां पे डिपॉजिट मोर देन वन करोड़ लिखा हुआ है, हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या फिर आपके पास सेविंग अकाउंट या तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो देखो अगर करंट अकाउंट या अकाउंट में मोर देन वन करोड़ डिपोजिट हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट या अकाउंट में मोर डिपोजिट हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एक चीज यहां पर ध्यान देना हा? करंट अकाउंट में वर्ड यूज हुआ है मोर देन वन करना बट फाइल ,00 exactly ,00 तो करना पड़ेगा इन केस ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ द करंट अकाउंट मोर देन वन करोड़ डिपोजिट हुआ है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और अकाउंट फिफ्टी लाख रुपीज और मोर का हुआ है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा डिपोजिट का मतलब क्या सिर्फ कैश डिपोजिट से आंसर इज नो कैश डिपोजटिट नहीं है यहाँ पे चेक डिपोजिट एन एफ वगैरह है

पांच लोग ऐसे और हैं जिनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा पहला कौन अगर आपका करंट अकाउंट और अकाउंट्स में जो डिपॉजिट हुआ है वो डिपॉजिट आपका 1 करोड़ से ज्यादा है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सेविंग अकाउंट में फिफ्टी लाख रुपीज और मोर है रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपने फॉरन ट्रेवल पर मोर देन टू लाख रूपीज स्पेंड किया आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर आपका मोर देन वन लेख है तब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिजनेस के केस में आपका टर्न ओवर सिक्सटी से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रेट टेन लैक से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और अगर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट टीसी कलेक्ट हुआ है वो 25,000 और मोर है तो फाइल करना पड़ेगा सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट फिफ्टी थाउजेंड की हो जाएगी अब एक बात बताइए रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट क्या है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट में आप ऐसे याद रखेंगे कि जो कैप वाले लोग हैं सी ए पी सी का मतलब होता है कंपनी ए का मतलब होता है पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ ए का मतलब आप ऑडिट पार्टी के नाम से याद रख सकते हैं और पी का मतलब होता है पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म अकाउंट आर रिक्वायर टू बी ऑडिट तो देखो तीन लोग हैं स्कैप कैप में सी का मतलब होता है कंपनी ए का मतलब होता है ऑडिट पार्टी और पी का मतलब होता है पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर

दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव वहां पे जो लोग रहते हैं ना उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस पे पोर्चुगेज लॉ एप्लीकेबल होता है और जिस पे पोर्चुगेज सिविल कोड 1860 है वो एप्लीकेबल होता है और अगर वो लॉ फॉलो करता है ना तो उस लॉ में क्या बोला हुआ है पता है कि जो भी हस्बैंड की इनकम होगी वो वाइफ में इक्वली बांटी जाएगी वाइफ की इनकम है वो हस्बैंड में इक्वली बांटी जाएगी सैलरी इनकम को छोड़ के तो सैलरी इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम होती है वो हस्बैंड वाइफ में इक्वली बांटी जाती है उस लॉ को जो फॉलो करते हैं पोर्चुगेज लोग वो रहते हैं इंडिया में ही है इंडिया के ही लोग है करके ठीक है बट अगर पोर्चुगेज सिविल कोड को अगर ये फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है इनकम इक्वली डिवाइड होती है तो उसमें अगर कोई पार्टनर है और पार्टनर की ड्यूडेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर या थर्टी नवंबर है तो उसके स्पाउस की ड्यू डेट है वो भी थर्टी अक्टूबर या थर्टीए नवंबर हो जाएगी करके चलिए उसके बाद एक सेक्शन होती है वन थर्टी वो ये बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करने से एक्जेंट कर से सकती है नोटिफिकेशन निकाल के करिए ठीक है चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है 139 .3. 139 .3 क्या बोलती है लॉस रिटर्न की बात करती है क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो किसी को लॉस हो जाता है तो भी क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आंसर इज यस

असेसमेंट ईयर की थर्टी फर्स्ट दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्न ईयर थर्टी फर्स्ट डिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर का मतलब ये हुआ कि असेसमेंट ईयर एंड होने से एटलीस्ट तीन महीने पहले असेसमेंट ईयर एंड होने के तीन महीने पहले तक आप रिटर्न बी डेटेड कर सकते हो और तो इन आपको अगर आपका रिटर्न का तो टाइम मिला अगर आपका थर्टी फर्स्ट अक्टूबर था तो आपको टू मंथ का टाइम मिला और था, तो आपको एक महीने का ही टाइम मिला इतना टाइम आपको बिलटेड रिटर्न फाइल करने के लिए मिलता है लेकिन अगर आप बीलेटेड रिटर्न फाइल करते हो ना तो आपके साथ हो सकता है तो आपके पीजीपी के लॉस कैपिटल गेन लॉस एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस के लॉसेज है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते

But अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम फाइव लैस से ज्यादा नहीं है तो ये फीस थाउजेंड रुपीज हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हमने रिटर्न रिटर्न फाइल जो है वो हमने किया था किया था फाइल वन थर्टी नाइन वन में या वन थर्टी थ्री में या वन नाइन फोर में अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है ओमिशन हो जाता है तो क्या उसको रिवाइज कर सकते हैं yes, है. है? है. और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर अब एक और बात समझना जितनी बार आप चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं सुबह उठते टाइम करके ठीक है ब्रेकफास्ट करते टाइम आफ्टरनून में जो है वो आफ्टरनून में लंच करते टाइम शाम को जो है खाना खाने के बाद में और

या उस पर जो एनेक्चर वगैरह फिल करने थे वो एनेक्चर आपने फिल नहीं किए या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लगानी थी वो आपने लगाई नहीं या फिर जो टैक्सेस का प्रूफ आपको लगाना पड़ता है वो प्रूफ आपने नहीं लगाया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव मान सकता है ऐसा बोल सकता है कि रिटर्न डिफेक्टिव है आपको बोला जाएगा इस डिफेक्ट को सुधार के लेके आओ और सुधारने के लिए टाइम दिया जाएगा नॉर्मली फिफ्टीन डेज का अगर आप एक्सटेंडेड टाइम चाहते हो तो आपको एक्सटेंडेड टाइम भी मिल सकता है लेकिन एक चीज समझना जो आपका ओरिजिनल टाइम है और एक्सटेंडेड टाइम है वो दोनों मिला के कभी भी आपका कभी भी आपका जो वो टाइम है वो ओरिजिनल और, टाइम और एक्सटेंडेड टाइम है वो जो मिला के और भैया वो टाइम देंगे उसके अंदर अंदर आपको जो है वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर आप उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपका रिटर्न वॉइड रिटर्निशियो माना जाएगा मीन इनवैलिड माना जाएगा और इनवैलिड का मतलब होता है जैसे रिटर्न फाइल किया ही नहीं है करके ठीक है चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है वन इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न या जिसको पहले साइनिंग ऑफ रिटर्न बोला जाता था वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि कोई भी रिटर्न को वेरीफाई कौन करेगा

उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का जो भी रिटर्न रहेगा वो मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई करेगा अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है जो कि माइनर नहीं होना

रेजोल्यूशन प्रोसेस में अगर वो एडमिट हो गई है अंडर इंसोल्वेंसी एंड बैंक करप्सी को टू में आईबीसी में अगर कंपनी चली गई है तो इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल जो होता है वो उसका रिटर्न वेरीफाई करेगा कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका सीईओ वेरीफाई करेगा और अगर मान लो कोई लोकल अथॉरिटी है उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है वो वेरीफाई करता है और उसको छोड़ के कोई भी पर्सन है उसका रिटर्न वो वेरीफाई करेगा जो कॉम्पिटेंट है वेरीफाई करने के लिए वो पर्सन वेरीफाई करेगा अब एक बात समझना ऊपर यहां पर जो दे रखा था कि एल के किस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा या फिर कोई भी दूसरा पार्टनर या एनी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है

किसने अपॉइंट किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने किस किया है फॉर द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द प्रोफेशनल या प्रोफेशनल या एज लिक्विडेटर की तरफ वर्क करने के लिए जिसको किया है, वो उसके बाद में एक सेक्शन आती है, आधार. आ रहा है ना वन थर्टी डबल ए आधार अब लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर बेटा आप फर्स्ट जुलाई 2017 या उसके बाद में कोई भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे या कोई भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा अगर आप आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट जुलाई 2017 या उसके बाद में या तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे या फिर आप कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपको आधार नंबर कोट करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको आधार नंबर अभी तक अलॉटेड नहीं हुआ है तो आधार नंबर के लिए जब आपने अप्लाई किया था तो उसका जो एक्नोलॉजमेंट आईडी आता है ना वो एक्नोलॉजमेंट आईडी है वो आपको जो है एक्नोलॉजमेंट आईडी है वो एक्नोलॉजमेंट आईडी लगाना पड़ेगा अब एक और चीज समझना अगर आपके पास में फर्स्ट जुलाई टू को ऑलरेडी आपके पास पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड कार को क्या करना पड़ेगा आपको आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा जो पेन और आधार है उन दोनों को लिंक कराना पड़ेगा दोनों के बीच में प्यार कराना पड़ेगा दोनों को गुलू गुलू कराना पड़ेगा किसको आधार कार्ड को एंड पैन कार्ड को दोनों को लिंक कराना पड़ेगा लेकिन सर एक बात बताइए यहां पे ये जो सेक्शन है उसमें लिंक कब तक कराना पड़ेगा तो लिंक कराने की डेट थी 31 मार्च 2022 तक के 31 मार्च 2022 तक लिंक करा दीजिए उसके बाद में जो है आपका पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा लेकिन एक और चीज समझना ये जो सेक्शन है ना ये सेक्शन नहीं लगेगी चार लोगों पे चार लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगी एक तो जम्मू कश्मीर एंड मेघालय एंड आसाम में जो लोग रहते हैं उस पर नहीं लगेगी दूसरा अगर कोई भी पर्सन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है उस पर नहीं लगेगी तीसरा अगर कोई पर्सन ऐसा है में एज एटीर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो उस पर नहीं लगेगी अब एक और चीज समझता मैंने आपको बोला कि भैया पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराना जो पड़ेगा वो लिंक कब कराना पड़ेगा तो इसको लिंक कराने की डेट थी ना वो थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 टू थी अब एक बात समझना थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थी लेकिन उसके बाद में भी क्या लिंक करा सकते हैं आंसर इज यस उसके बाद में भी आप लिंक करा सकते हैं लेकिन उसके बाद में अगर आप लिंक कराते हैं तो आपको एक फीस लगती है जो कि आपकी फीस जो होती है वो टू थर्टी फोर एच में फीस लगती है अब आप बोलोगे टू थर्टी फोर एच में कितना फीस लगता था तो टू थर्टी फोर एच जो सेक्शन है वो इंटरेस्ट टॉपिक में मैंने दे रखी है अगर आप उधर जाके देखोगे तो वहां पर यह दे रखा है कि अगर आपने फर्स्ट अप्रैल दो हजार बाईस से लेकर और थर्टियत जून दो हजार बाईस तक लिंक करा दिया होगा तो आपको फाइव हंड्रेड रुपीज का फीस लगेगा उसके बाद में आप लिंक कराओगे तो वन थाउजेंड रुपीज का फीस लगेगा अब एक और चीज समझना यहां पे मैंने बोला कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेकिन अगर नहीं कराया तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा लेकिन इनऑपरेटिव वाला जो सिस्टम है इसको एक साल के लिए डेफर कर दिया एक साल के लिए डेफर कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि भैया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नेगे नहीं ने आएगा इसका मतलब यह हुआ कि देखो इनऑपरेटिव तो पैन कार्ड हो जाएगा बट आपके ऊपर जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से आएगा उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है पेन नंबर क्वेश्चन ही आता है

थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द असेसमेंट तक आप पेन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए दूसरा अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है और जिसका टर्न प्रीवियस ईयर में फाइव लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है

थाउजेंड या उससे ज्यादा है

तो आपको क्या करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में थर्टी फर्स्ट मे से पहले पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो दूसरा अगर आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो और आपका ग्रॉस या ओवर है वो लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है आपको उस ईयर के एंड तक ही क्या करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तीसरा चैरिटेबल रिलीजियस जो ट्रस्ट होते हैं एनजीओ होते हैं उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल थर्टी मार्च ऑनली और उसके बाद में अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है इंडिविजुअल को छोड़कर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है पूरे साल के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू लैक फिफ्टी या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31st मई ऑफ द असेसमेंट ईयर और उसके जितने भी पार्टनर रहेंगे जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे जितने भी सीईओ रहेंगे करता रहेंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31st मई ऑफ द असेसमेंट ईयर अब एक बात समझता है यहां पे एकAmendment आया और ये Amendment ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो क्या कर रहा है उसके पास में कोई भी अकाउंट है और वो अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहा है एग्रीगेटिंग ट्वेंटी लाख ,00 रुपए और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक मीन ट्वेंटी लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट हो रहा है इस किसी के अकाउंट में या फिर कैश विद्रॉ हो रहा है ट्वेंटी लाख रुपए और मोर इन फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक या फिर क्या हो रहा है आपका ओपनिंग अ करंट अकाउंट आप करंट अकाउंट खोल रहे हो या कैश क्रेडिट अकाउंट खोल रहे हो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो आपको ये ट्रांजैक्शन करने से एटलीस्ट सेवन डेज पहले है वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपके पास कोई बैंक अकाउंट या अकाउंट है उसमें क्या हो रहा है कैश डिपोजिट जो हो रहा है वो डिपोजिट हो रहा है पूरे साल में मिला के अगर ट्वेंटी लाख रुपए या उससे ज्यादा डिपोजिट हुआ या फिर ट्वेंटी लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश विदड्रॉ होता है या फिर अगर मान लो आप जो है वो करंट अकाउंट

मिस बेसिक सेविंग अकाउंट को छोड़ के जो बेसिक सेविंग अकाउंट होता है जनधन अकाउंट वगैरह उसको छोड़ के एंड एफडी अकाउंट को छोड़ के करके ठीक है अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ऑल सच ट्रांजेक्शन में आपको पैन कार्ड है वो लगाना पड़ेगा उसके बाद में अगर मान लो आप किसी भी बैंक के साथ में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं बैंक के साथ में या किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ में आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा या फिर आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो डीमेट के लिए आपको पैन कार्ड अपना लगाना मैंडेटरी है उसके बाद में किसी भी होटल का या रेस्टोरेंट का आप जो बिल पेमेंट कर रहे और वो बिल का कैश में अगर आप रेस्टोरेंट या फिर होटल का कैश में रहे है, तो आपको अपना है, वो देना पड़ेगा या फिर आप क्या कर रहे हैं कोई भी फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हो और वहां पर फॉरन करेंसी वगैरह आप खरीद रहे फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं उसमें फॉरेन करेंसी वगैरह खरीद रहे हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं कैश में फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा या फिर आप म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड फंडेस कर रहे हैं और वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा यहाँ कैश नहीं है यहां पे कैश नहीं है आप अगर बैंक से भी fund, से भी म्यूचुअल फंड ज्यादा का परचेज करते हैं आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा या फिर आप क्या करते हैं किसी भी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीद रहे या फिर आप आरबीआई के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं जो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का खरीद रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा या किसी भी बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सिंगल टाइम पे सिंगल डे में मान लो आप पचास से ज्यादा का कैश डिपोजिट ट कराने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा या फिर आप क्या करते हैं बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाते हैं पचास हजार रुपए से ज्यादा इन पचास हजार से ज्यादा पैन कार्ड देना पड़ेगा या फिर बैंकिंग कंपनी के साथ में, तो में कोऑपरेटिव बैंक के साथ में पोस्ट ऑफिस के साथ में निधि कंपनी के साथ में या एनबीएफसी कंपनी के साथ में? तो आप क्या करते हैं बैंकिंग कंपनी के साथ पोस्ट ऑफिस के साथ निधि के साथ या फिर एनबीएफसी के साथ एफ डी

कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं बैंक से वगैरह और वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का जो पेमेंट है वो कैश में करते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट से करते हैं या पे ऑर्डर से करते है बैंकर चेक से करते हैं और वो फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो ऐसा कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा जिसका फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा का आपने पेमेंट किया तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा पूरे साल में मिला के अगर आप पे करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा पैन कार्ड लगाना पड़ेगा या फिर आप सिक्योरिटी कोई भी परचेज सेल कर रहे हैं अनलिस्टेड या फिर लिस्टेड सिक्योरिटी आप परचेज सेल करते हैं और ट्रांजेक्शन है वो वन लाख रुपीज से ज्यादा है तो ट्रांजेक्शन आपका वन लाख रुपये से ज्यादा है सिक्योरिटी से रिलेटेड या तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी या फिर लिस्टेड सिक्योरिटी आप अगर परचेज सेल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वन लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा एंड दूसरी चीज अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका सेल या परचेज करते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो टेन लाख रुपए से ज्यादा है या तो कंसिडरेशन टेन ज्यादा है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो टेन लेक से ज्यादा है दोनों में से से एक भी चीज अगर ज्यादा है तो आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा और उसके बाद में कोई भी सेल या का आप ट्रांजेक्शन टू लेकिन करते हैं गुड्स का या सर्विस का और वो से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझना ये जितने भी ट्रांजेक्शन उसमें माइनर चाइल्ड ट्रांजेक्शन कर सकता है उसके पेरेंट्स का पैन कार्ड लगा के मीनस माइनर चाइल्ड को खुद का पैन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं अगर उसका पैन कार्ड नहीं है तो उसके पेरेंट्स में से किसी का भी पैन कार्ड लगा के और माइनर चाइल्ड है ये ट्रांजैक्शन कर सकता है एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अ पैन एंड आधार इंटरचेंजेबल ये पैन एंड आधार इंटरचेंजेबल क्या है लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को दोनों को जो है वो गुल्लू गुल्लू करा लिया है मींस दोनों को लिंक करा लिया है पैन और आधार दोनों लिंक हो गए तो आप एक काम कर सकते हैं पैन की जगह जो है वो आधार नंबर दे सकते हैं जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूं तो मैंने क्या किया दोनों को जो है वो गुलू गुलू करा लिया तो अब मान लो मैं बैंक अकाउंट खोलना है मैं वहां सिर्फ आधार नंबर दे सकता हूं आंसर इज यस अगर दोनों लिंक है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं सिर्फ आधार नंबर दे सकता हूं पैन की जगह मैं आधार नंबर दे सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है दूसरा अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हुआ क्या कि मेरी मम्मी है मम्मी के पास में पैन कार्ड नहीं है लेकिन मम्मी के पास सिर्फ आधार कार्ड है मम्मी के पास पैन कार्ड नहीं है मम्मी के पास आधार कार्ड है लेकिन कहीं पे पैन कार्ड की जरूरत पड़ गई जैसे मान लो मम्मी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करेगी तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो मम्मी जो है यहां लॉ ये बोलता है कि मम्मी जो है वो पैन कार्ड की जगह आधार नंबर दे सकती है मम्मी जो है वो पैन कार्ड की जगह आधार नंबर दे सकती है और मम्मी ने अगर आधार नंबर दिया ना तो बैंक ये मानेगी कि मम्मी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन विदाउट एनी चार्ज उस आधार कार्ड के बेसिस पे मम्मी को पैन कार्ड अलॉट कर देगा तो ये पॉइंट है वो दो चीजें बोलता है पहली चीज तो क्या बोलता है ये पॉइंट पता है दो चीजें बोलता है पहली चीज तो क्या कि सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मान लो आपका पैन और आधार दोनों लिंक है गुलू गुल हो चुका है तो आप पैन की जगह आधार कार्ड दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा अगर मान लो आपके पास पैन कार्ड नहीं है बट आपके पास आधार कार्ड है और आप ऐसे कोई में एंटर करना चाहते हैं जहां पैन कार्ड की जरूरत है तो उसकी जगह आप आधार कार्ड दे दीजिए कोई बात नहीं वो सफिशियंट कंप्लाइंस माना जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपको ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे पैन कार्ड है वो अलॉट कर देंगे करके ठीक है चलिए उसके बाद में एक और चीज समझता एवरी पर्सन एंट्री इन टू द प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन जो पॉइंट नंबर सिक्स हमने पढ़ा सेक्शन वन थर्टी नाइन वन में बीस लाख से ज्यादा का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर बीस लाख या उससे ज्यादा का कैश विद्रॉ करते हैं करके ठीक है उसमें आपको पेन या आधार कोड करना पड़ेगा उसके साथ साथ में क्या होगा ना कि जो पर्सन वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है उसको भी चेक करना पड़ेगा ये पैन कार्ड आधार कार्ड आप ही का है या नहीं वो पैन कार्ड या आधार कार्ड आप ही का है या नहीं है वो ऑथेंटिकेट करेगा मिला के वो जो हाथ वगैरह दिलाएगा अंगूठा दिलाके और ऑथेंटिकेट करेगा कि वो आप ही का है या नहीं है अगर वो नहीं करवाता है तो उसको कुछ पेनल्टी भी लगती है दस हजार की जो सीए फाइनल में आएगी चलिए उसके बाद में एक सेक्शन तो आती है वन थर्टी नाइन बी द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर या जिसको बोलते हैं टीआरपी ये टीआरपी क्या होता है बताया देखो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कौन किसके थ्रू फाइल करा सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू फाइल करा सकते हो आप खुद भी कर सकते हो लेकिन आप टीआरपी के थ्रू फाइल करा सकते हो ये टीआरपी कौन होते है? होते हैं हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर जिसको सीबीटीटी ने इनको कर रखा होता है कि आप चाहे तो लोगों की रिटर्न फाइल करने में हेल्प कर सकते हैं अब ये लोग जो है वो लोगों की रिटर्न फाइल करने में हेल्प करते हैं लेकिन एक चीज समझना टीआरपी कौन बन सकता है टीआरपी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकता है मीस कोई भी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एओपीबीआई टीआरपी नहीं बन सकता सिर्फ इंडिविजुअल है वही टीआरपी बन सकता है लेकिन

रिटन है वो टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं करा सकता तो ऑडिट पार्टी एंड कंपनी दो लोग ऐसे हैं जो अपना है वो टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं करा सकते अब आप बोलोगे टीआरपी कौन बनता होगा तो टीआरपी के लिए क्या होता है ना कि जिन लोगों का या तो बीकॉम हो चुका है बीए हो चुका है बीएससी हो चुका है जो भी साइंस कॉमर्स वगैरह जिसका बेस्ट बैचलर डिग्री है बैचलर डिग्री है या फिर सीए इंटरमीडिएट क्लियर है या सी इंटरमीडिएट क्लियर है या फिर सी इंटरमीडिएट क्लियर है तो वो लोग जो है वो टीआरपी बन सकते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेस रिटर्न लेस रिटर्न का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपसे ऑनलाइन रिटर्न मंगा सकता है और लेस रिटर्न मंगा सकता है लेस रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मंगाएगा आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मंगाएगा और सीधा ऑनलाइन रिटर्न मंगाएगा लेकिन क्वेश्चन ये आता है रिटर्न तो मंगा सकते हैं लेकिन मान लो असेसिंग ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर इन फ्यूचर में आपका असेसमेंट करते टाइम अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाता है तो क्या आपको ले जाके देना पड़ेगा आंसर इज यस वो आपको देना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन है वो अपना रिटर्न फाइल करता है तो रिटर्न फाइल करने से पहले पहले उसको क्या करना पड़ता है पता है जो उसका टैक्स आ रहा है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो आ रहा है अलोंग विद द जो फीस आ रही है वो सब उसको पे करनी पड़ती है टैक्स इंटरेस्ट फीस है आफ्टर टेकिंग ऑब्वियसली क्रेडिट 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 ऑफ एंड ऑल वो सब लेने के बाद जो है आपको जो बैलेंस टैक्स बचेगा इंटरेस्ट बचेगा और आपको फीस बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपका शॉर्ट पेमेंट हो जाता है कम पेमेंट होता है तो पहला एडजस्ट होता है फीस से दूसरा एडजस्ट होता है टैक्स से और तीसरा एडजस्ट होता है टैक्स से तीसरा पहला फीस से दूसरा इंटरेस्ट से और तीसरा है वो टैक्स से एडजस्ट

जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ फॉर एन एक्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर एक्जाम्पल के लिए ले लेता हूं ट्वेंटी टू लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर था उसके बाद में आपका असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर आपका ट्वेंटी थ्री हुआ असेसमेंट ईयर एंड हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बेटा उसके दो साल के बाद के अंदर अंदर मिस टर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन एट दैट इज कॉल्ड योर अपडेटेड रिटर्न अब एक बात समझ

एक और चीज समझना अगर मान लो आपने पहले रिटर्न फाइल किया था और अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आंसर इज यस अब भी आप कर सकते हैं लेकिन एक चीज समझना कुछ लोग ऐसे हैं जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते एक चीज तो ये कि अगर मान लो आप पहले ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके अपडेटेड रिटर्न Miss, आप उसी साल का एक बार ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते वापस उसको अपडेट नहीं कर सकते एक बार आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रे दिया तो वापस उसको अपडेट नहीं कर सकते दूसरी चीज अपडेटेड रिटर्न में कभी भी आप आप लॉस नहीं बता सकते अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न जो है उसमें आप कभी भी रिफंड डिमांड नहीं कर सकते आपको रिफंड नहीं मिल सकता तो उन लोगों को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा मिस अगर आप अपडेटेड रिटर्न में क्या रिफंड ले सकते हो नहीं ले सकते आप अपनी इनकम को कम कर सकते हो नहीं कर सकते करके क्या आप लॉसेज बता सकते हो अपडेटेड रिटर्न में नहीं खा सकते हैं वो लोग अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल नहीं कर सकते लेकिन एक बात समझना अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो उसमें क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा आंसर इज यस देखो जो टैक्स आएगा इंटरेस्ट आएगा फीस आएगा वो तो भरना ही पड़ेगा लेकिन उसके साथ-साथ देखो आप जो बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर 2022 तक कर सकते थे मिस के 31 तक आप, आप अपडेटेड रिटर्न हो, हो, एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से वन ईयर के अंदर अंदर करते हो इसका मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च दो तक कर लेते हो आप अगर 31 मार्च 2024 तक कर लेते हो तो उसमें क्या होगा जो भी आपका टैक्सेस है एंड इंटरेस्ट है उसका आपको एडिशनल 25 परसेंट टैक्स गवर्नमेंट को बढ़ना पड़ेगा स एडिशनल टैक्स आपको 25 परसेंट और भरना पड़ेगा और अगर इस वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो और टू ईयर्स के अंदर अंदर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ द एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ द एडिशनल टैक्स है वो आपको ठीक है चलिए अब अपने काम करते है, सीधा इस क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है एज इज आपको एग्जाम में मिल जाए तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए मिस्टर एक्स वुड लाइक टू फर्निश इज अपडेटेड रिटर्न फॉर द असमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू 21, का उसको करना है। तो एक बात बताओ असेसमेंट ईयर का कब तक कर सकता, है? 2024 तक कर सकता है अगर 2023 तक किया तो उस पर्टिकुलर केस में उसका 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर 31 मार्च बट 31 मार्च 2024 तक कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा तो इनकेस फर्निश अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम ही वुड बी लाइबल टू पे टैक्स टू लैफ्टी द टैक्स एंड थर्टी

टू एक्सामिन वेद मिस्टर एक्स कैन फाइल रिटर्न और नॉट सबसे पहले थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को फाइल करना चाहता है क्या वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है ईयर yes, कंप्लीट होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को तो यहाँ पे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक कर रहा है आंसर इज यस कर सकता है बट उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा मिस ये टू लैख एटी फाइव थाउजेंड तो पे करना पड़ेगा इस पर फिफ्टी परसेंट आप करोगे तो वन लैक फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा दूसरा एट फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक कर सकता आंसर इज यस बिकॉज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक कर रहा है अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसका टू लेख फिफ्टी थाउजेंड प्लस उसेंड प्लस like उसका और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या वो थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को कर सकता है आंसर इज नो थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है अब अगर आप आंसर देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा पहले वाले केस में वो कर सकता है बट उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो टू लैख एटी फाइव थाउजेंड का पे करना पड़ेगा करके ठीक है दूसरे केस में उसको फिफ्टी परसेंट है वो पे करना पड़ेगा और तीसरे केस में तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता है करके ठीक है सो दिस कंप्लीशन ऑफ योर रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट वाला टॉपिक जो है सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए मार्क का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा मिनिमम चार मार्क्स तो आएगा ही आएगा हो सकता है कभी मार्क का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये इसका पार्ट आपको मिलता है बड़ा इजी क्वेश्चन आता है सिंपल सा दो तीन मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो और चार मार्क्स आपको मिल सकते हैं और एमसीक्यूज में भी बहुत बार आता है अब एक बात बताओ आपके एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बाद से अगर मैं काउंट करूं और अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो आपके एग्जाम के लिए ट्वेंटी फाइव डेज बचा है ओनली ट्वेंटी फाइव डेज ऐसे हाथ से निकल जाएगा करके ठीक है मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज द टाइम वेर यू हैव टू परफॉर्म वेल यू हैव टू गिव हंड्रेड परसेंट फॉर योर स्टडी करके ठीक है लाइफ में मैं बताऊं सब मजे करने को मौका मिलेगा लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है कि आपको मौका कब चाहिए मतलब कब आपको मौका जो मिलेगा उसको कब यूटिलाइज करना है अभी ये मौका मिला है पढ़ने को लेके तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद आपको पार्टी भी करनी है मजे करने हैं मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में हर चीज करो लेकिन हर चीज़ करने का एक टाइम होता है एक उसका लाइक टाइम लिमिट होती है उस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको वो चीजें करनी चाहिए सो दिस इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि जस्ट फोकस टू योर स्टडी ये ट्वेंटी फाइव डेज है ना लाइफ में ढंग से पढ़ाई कर लो आप ऐसे जी लो ना ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा ऐसे जीना बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बहुत बार ऐसा होगा कि लाइक आपको ऐसा बहुत बुरा भी फील हो रहा होगा बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होंगे कहीं बाहर गए होंगे बट अपन जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे उस छोटे रूम में बैठे होंगे जहाँ पे आप पढ़ रहे हो बट मैं बताऊँ अगर आपने ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना ये ट्वेंटी फाइव डेज है वो आपने ढंग से यूटिलाइज कर दिए तो आने वाले जो आपके ट्वेंटी फाइव ईयर्स है वो आपके सफल हो जाएंगे और उसमें जो जो आप डिज़ायर रिज़ल्ट चाहते हो वो आपको मिलेगा और मैं बता दूँ इस बार एग्जाम देने के बाद है ना आप अपने आप से ये बोल पाओ कि यार मैं इतना ही कर सकता था इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था और अगर आप ये बोल पाए अपने आप से कि मैं इतना ही कर सकता था इतने से ज़्यादा नहीं कर सकता था मैं बता दूँ इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फेल कर सकती है सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जस्ट गिव हंड्रेड परसेंट फॉर योर स्टडी आप जितना कर सकते हो उतना आप कर लीजिए करके ठीक है दे दीजिए इस बार हंड्रेड परसेंट दे दीजिए आप इंशाअल्लाह जो है वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए अच्छे से पढ़ाई करिए खुश रहिए पढ़ाई करिए मोटिवेट रहिए अपने आप को थोड़ा ऐसे है ना मोटिवेशन फील करिए अपने आपको ट्रीट दीजिए छोटी छोटी जब भी आपका कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अपने आपको एक चॉकलेट गिफ्ट क्रिया करिए या फिर ऐसा करिए कि चलो मैं आई पी एल में आज दो ओवर देखूंगा जब अगर आपका टॉपिक पूरा चल हो गया आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट हुआ और आप अपने आप को ऐसे बोल सकते हैं और लेकिन आप अगर आईपीएल में दो ही ओवर देख रहे हो तो दो ही ओवर देखना है कि मैं दो ओवर से ज्यादा नहीं देखूंगा दो ओवर मैं देखूंगा करके ठीक है या फिर धोनी बैटिंग करने आएगा तब तो मैं दो ओवर देखूंगा और वो तभी देखूंगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने आपको ऐसा कि मोटिवेट करते रहिए अपने आपको मोटिवेट करते रहिए ये लास्ट लेक्चर था आप लोगों के लिए अब मैं मिलने वाला हूं आपको सीए फाइनल में तो फटाफट सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लीजिए और सीए फाइनल में आओगे तभी मैं आपसे मिलूंगा उससे पहले मैं नहीं मिलूंगा सो इट इज़ योर मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू मेहनत कर लीजिए यार यही तो टाइम है इसके बाद ये टाइम वापस नहीं आने वाला और अपन मिलने वाले सी ए फाइनल में सी ए फाइनल में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपको बहुत मज़ा आएगा जब अपन सी ए फाइनल में मिलेंगे थैंक्स आर ऑट पीपल दैट्स एन अफ फर फ्रॉम माई साइड